हेलो गाइस, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। आज है 5 जून 2020 और हम आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। हम सभी ने फोटोज़, वीडियोज़, स्टेटसेस पे अपने सोशल मीडिया पर हमने अपलोड किया होगा, लेकिन क्या एक्चुअल में हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या एक्चुअल में हम पर्यावरण का ख्याल रख रहे हैं, पर्यावरण का ध्यान रख रहे हैं? जो इस बार की थीम रखी गई है इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता को सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट करना आप कैसे करेंगे? सेलिब्रेट आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन, आप जो है एयर को बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन, आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। एयर कंजर्वेशन एंड वाटर कंजर्वेशन, ये दो चीज़ें हैं, दो मेन पॉइंट हैं। अभी जो कोरोना इम्पैक्ट चल रहा है, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कुछ चीज़ें जो हमारे लिए पहले बहुत बड़ा एक चैलेंज हुआ करती थी। गवर्नमेंट पूरा ग्लोबल वर्ल्ड जो है पूरा उस पर वर्क कर रहा था। हमारे पास जो चैलेंज था, ओजोन लेयर डेप्लीशन, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, 1980 का जो ओजोन लेयर का इम्पैक्ट था अर्थ पर और 2020 का जो ओजोन लेयर का इम्पैक्ट है अर्थ पर, ये दोनों आपको एक इमेज के थ्रू दिखाए गए कैसे ओजोन लेयर का डेप्लीशन होता चला जा रहा था कॉन्टिन्यूसली, एक जो रेगुलरली पॉल्यूशन बढ़ने के कारण। लेकिन अभी क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ कि जब कोरोना इम्पैक्ट आया, लॉकडाउन हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, जो व्हीकल्स चल रहे थे रोड पर वो बंद हो गए, तो नेचर ने खुद को हील किया, नेचर ने अपना खुद को हीलिंग कर ली, खुद को उसने एयर को फिल्टर कर दिया, क्योंकि अब हम उतना पॉल्यूशन वहां पर नहीं फैला रहे हैं। इससे ओजोन लेयर जो थी वो भी फिर से हील हो गई। जो एक इम्पैक्ट था, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ये जो चैलेंज बने हुए थे हमारे लिए, काफ़ी हद तक ये चीज़ें आज कंट्रोल में आ गई हैं। ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको आज हम यहाँ पर समझ गए होंगे। एयर में, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम यहाँ समझ गए होंगे। ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस को आइए हम एक इमेज में दिखाते हैं। यहाँ पर एक जो इमेज दिखाई दे रही है, आप इसमें देख सकते हैं एक ट्री है जो कि एक डिजर्ट में है। इसके नीचे कितने सारे जो जानवर, एनिमल, सीप्स बैठे हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं एक ट्री की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ऐसे ही एक एक ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ट्रीज़ को कंजर्व करना है, हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, और एटलीस्ट पर एनवायरनमेंट डे पर, हर एनवायरनमेंट डे पर हमें एक ट्री जो है वो प्लांट करना है, एक पेड़ हमें ज़रूर लगाना है, क्योंकि हम एयर को अगर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी को, इस थीम को और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को आगे मनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाए, तो हमें ट्रीज़ को प्लांट करते रहना होगा, हमें ट्रीज़ को लगाते रहना होगा। जो दूसरा पॉइंट आता है हमारा, वाटर कंजर्वेशन की, पहले के ज़माने में क्या होता था प्राइमरी इरा में, कि मोटर्स नहीं होते थे, हैंडपंप्स नहीं होते थे, लोग कुओं से पानी भरते थे, नदियों से पानी भर के लाते थे। यहाँ पर आप एक इमेज में देख सकते हैं कैसे विमेन जो हैं वो नदियों से पानी भर के लेकर आती थी, कितना मेहनत करती थी, गागर में भर के ले आती थी। तब उन्हें उस पानी की कीमत का अंदाज़ा था। वो अगर उतना पानी, एक गिलास पानी भी अगर गिर जाता था उनसे, तो उन्हें तकलीफ़ होती थी, क्योंकि वो उसको मेहनत से भर के ले आ रहे हैं। लेकिन आज क्या है, आज हमारे हाथ में हैंडपंप है, आज हमारे हाथ में मोटर है, आज हमारे हाथ में समर्सिबल है, एक क्लिक पानी बाहर, एक बार हम बटन दबाते हैं पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें गाड़ी धुलनी है तो भी हम अननेसेसरी पानी बहा रहे हैं, अगर हमें कहीं पर भी कुछ भी घर में धुलाई करनी है या पानी भरना है, हम अननेसेसरी मोटर ऑन कर दिए हैं और पानी बह रहा है। इससे क्या हम वाटर को कंजर्व कर पाएंगे, क्या पीने लायक पानी जमीन के नीचे बचेगा? अगर नहीं बचेगा तो हमारा जो आने वाली जनरेशन है हमारी, वो कैसे जीवित रहेगी? ये चीज़ें सोचने का विषय, हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए। डे बाय डे आप देख रहे हैं पॉन्ड्स, जो तालाब थे वो सूख गए हैं, तालाबों में जो है बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं, जो रिवर्स थे उनमें बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं, तो वाटर का कंजर्वेशन जो होता था वो कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। जो एक रेन वाटर था वो कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, रेन प्रॉपर हो नहीं पा रही, क्योंकि हमने ट्रीज़ को प्लांट नहीं किया, ट्रीज नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा इस बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए। इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आइए हम और आप शपथ लेते हैं कि कम से कम एक पेड़ हर पर्यावरण दिवस पर लगाएंगे। हर जितनी बार भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट करेंगे, उस उतनी बार हम एक पेड़ लगाएंगे और इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखेंगे। और साथ ही साथ आप इसको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, तो ये यूएन असेंबली के द्वारा 1972 में फर्स्टली सेलिब्रेट किया गया था, और तब से आज तक हम इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को 5 जून पे मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या हम एक्चुअल में मनाते हैं, ये चीज़ हमें खुद से सोचना चाहिए, और हमें
पर इन्वायरमेंट डे पर एटलीस्ट एक ट्री को प्लांट करते रहना चाहिए, जिससे हम इस बायोडाइवर्सिटी को, इस इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाएं, इसके इकोसिस्टम को मेंटेन कर पाएं। और साथ ही साथ हमें ध्यान ये रखना है कि जो क्रिएचर्स हैं, जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, उन पर हमें दया करनी है, उन पर हमें पिटीफुल रहना है, उन्हें हमें अननेसेसरी हार्म नहीं करना है। अपने एक जो हम रिक्रिएशन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसके लिए हमें उन्हें हार्म नहीं करना है। इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना और इस एनवायरनमेंट को बचा करके रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आज आप लोग एक प्रण लेंगे, एक शपथ लेंगे कि हम हर साल एक पेड़ जरूर लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।